तो इस वीडियो में हम लोग एरोमेटिसिटी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने हकल्स रूल वगैरह पार्ट वन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। क्योंकि ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन की रिंग नहीं कंटेन करते, फिर भी उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है, और वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरोमेटिसिटी के रूल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जो एरोमेटिक रूल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि ये चारों रूल हैं, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन होगा, और उसमें 6 पाई या 10 पाई या 14 पाई या 18 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। प्लेनर क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एरोमेटिक के पार्ट वन वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आगे के कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के। ये कुछ एग्जांपल मैंने लास्ट वाले वीडियोस में भी डाले थे, जैसे ये अपना नैप्थलीन है, एंथ्रासीन वगैरह है, इनके हम लोग ने वीडियोस लास्ट वीडियो में देखे हैं कि ये एरोमेटिक रूल को कैसे फॉलो करते हैं। राइट है, अब ये दोनों स्ट्रक्चर साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, कॉन्जुगेशन है इसमें। राइट है, और अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो इसमें 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब देखो, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास बेंजीन की रिंग नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अब इनके IUPAC नेम 11-12 या CET वगैरह के पोर्शन में तो नहीं आते, बट इनके स्ट्रक्चर्स हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिसिटी का रूल जो है वो फॉलो करते हैं, हकल्स रूल को। अब ये कैसे फॉलो कर रहे हैं, लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन होगा और साइक्लिक होगा, वही एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो राइट है, इन स्ट्रक्चर्स में देखो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बेसिकली ये भी क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो हमको तो पता है एरोमेटिसिटी का पहला रूल क्या है, कि ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड क्या है, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और 4n+2π का रूल फॉलो करना चाहिए, यानी कि 2π, 6π, 10π या 14π इलेक्ट्रॉन इनके पास होने चाहिए। अब देखो, ऐसा होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, राइट है, कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में कितने भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, बट एक लोन पेयर को हम लोग एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, क्योंकि उसके पास एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की। राइट है, तो एक लोन पेयर हमेशा काउंट होगा। अगर किसी एटम के पास 10 हैं तो उसमें से सिर्फ एक को ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, पाई बॉन्ड में काउंट करोगे। अब देखो, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन तो इसमें है, पाई इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर 2π, यहाँ पर 2π, और ये जो लोन पेयर है ये भी क्या काउंट होगा, 2π। तो टोटल कितने हो गए इसके पास, 6π, और ये चारों रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है, 2π यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, बट हम लोग एक लोन पेयर को क्या करेंगे, 2π काउंट करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में अगेन 2π इस साइड है, 2π इस साइड है, राइट है, दो लोन पेयर है सल्फर के पास, जिसमें से एक क्या काउंट होगा, एक को 2π काउंट करोगे, तो अगेन ये भी क्या हो गया, टोटल करेंगे तो इसके पास भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6π इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या है, अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जो क्या है, नॉन बेंजेनॉइड है, अगेन इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6π, जो एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो कर रहा है, इसके वजह से इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। राइट है, तो ये होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एरोमेटिक कंपाउंड तो हैं बट बेंजीन की रिंग नहीं कंटेन कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो के एंड में, और क्लासिफाई भी कर लेंगे कि एरोमेटिक कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं। अब एरोमेटिक देखो, मैंने जैसे बोला, एक तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंजेनॉइड हो जाते हैं, और दूसरे क्या हो जाते हैं, नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, तो दो टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है और बेंजीन की रिंग को कंटेन कर रहा है, तो उसको बोलोगे बेंजेनॉइड। जैसे ये कुछ एग्जांपल है,
ठीक है, एटलीस्ट अगर एक बेंजीन रिंग उसके पास प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल अपना बेंजीन था, दूसरा देखो नेप्थलीन, फिर ये बोलूँ तो ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है, राइट है। इसके बाद अगर हम लोग नॉन बेंजेनॉइड को देखते हैं, नॉन बेंजेनॉइड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जिनके पास क्या है, ठीक है, बेंजीन की रिंग नहीं है, स्टिल वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, थायोल, फ्यूरेन, पायरिडीन वगैरह के, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये है अपना पूरा एरोमेटिसिटी का पूरा, मतलब जो भी चैप्टर्स में है, ठीक है, एरोमेटिक कैसे होंगे, कौन से रूल को फॉलो करेंगे। तो आगे अपन देखेंगे इसमें वीडियोस में कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं। अब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मुझे पता है, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, सिंपल सा लॉजिक होता है इसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी। अब देखो एरोमेटिक के लिए तो हमने चार रूल लिखे थे, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन और ये 4n+2π, राइट। अगर इसमें मैं रखता हूँ 1, 2, 3 वैल्यू, n की वैल्यू अगर 1, 2, 3 रखें तो पहला क्या मिल जाता है अपने को, 6π मिल जाता है, राइट है, फिर 14π। ये किसके लिए है, ये एरोमेटिक के लिए रूल है, राइट है, बट हमको क्या देखना है अब, एंटी एरोमेटिक्स। तो 1 रखोगे तो एरोमेटिक में 6π, 10π, 14π और 18π ऐसे मिलेंगे। लेकिन अगर इनके बीच के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब अगर ऊपर के सारे रूल फॉलो होते हैं बट पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4π मिल जाता है, 8π मिल जाता है, 12π मिल जाएगा या 16π मिलेगा, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। मतलब ऊपर के तीन रूल तो एरोमेटिक को भी फॉलो करना है और एंटी एरोमेटिक को भी, बट इनमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, 6π और 10π के बीच का 8π, फिर 2π और 6π के बीच का 4π, ये सब क्या हो जाते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो आगे कुछ एग्जांपल देते हैं, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के, एंटी एरोमेटिक कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, साइक्लोब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, अगर इसमें मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो 2π इस साइड और 2π इस साइड, तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर्स बना लो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हो, जैसे इस स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो यहाँ पे 2π मिलेगा अपने को और यहाँ पे 2π मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए, 4π। अगेन ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऐसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, सिर्फ अपने को क्या काउंट करना है, कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। बाकी अब देखो इस स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास, ठीक है, 2π इस साइड पे हैं, 2π यहाँ पे हैं, 2π यहाँ पे हैं और 2π यहाँ पे, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8π। और 8π किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में। अब देखो तीनों मिक्स्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये कुछ अपने पास एग्जांपल है, पहला स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कॉन्जुगेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया अपने पास, एंटी। अगेन इसमें 6π है तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये देखो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, 10π इलेक्ट्रॉन है, ये तो साइक्लिक ही नहीं है स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, 4π इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस स्ट्रक्चर में बेंजीन की रिंग है, अगर एरोमेटिक है तो उसको एरोमेटिक लिखूंगे, और ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक।